बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर सिस्टम है हमारे पास चार, यानी हमारे पास डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। इसका मतलब ये चारों जो हैं इसमें से कोई एक सिस्टम तो होगा जिसे कन्वर्ट करना है। इसका मतलब किसी तीन सिस्टम में जाएगा या वो बाकी वाले जो तीन हैं वो इस सिस्टम में आएंगे, तो ये आपस में इन्होंने एक्सचेंज होना है। इसको हमने असल में डिवाइड किया हुआ है दो केसेस में। अगर आपने साइनोप्सिस नहीं देखा इसका चैप्टर का, जिसके अंदर हमने ये बताया हुआ है कि हम लोगों ने चैप्टर को लेके कैसे चलना है, उसमें आपने अगर साइनोप्सिस नहीं देखा तो उसमें जरूर देखें ताकि आपको ये बात समझ आए कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। दो केस में हमने डिवाइड किया हुआ है, यानी एक है कि जो डेसिमल है वो अदर नंबर सिस्टम में जाना और अदर नंबर सिस्टम का डेसिमल में आना, और जो दूसरे वाले केस है वो है बाइनरी का दूसरे सिस्टम्स में जाना और दूसरे सिस्टम्स का बाइनरी में आना, या जो दो बच जाते हैं उनका आपस में एक्सचेंज होना। अगर आपने साइनोप्सिस नहीं देखा तो उसको जरूर देखें ताकि ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपको वो देखने से ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है वो किस तरीके से दूसरे नंबर सिस्टम, दूसरे क्या बच गए, तीन बच गए, यानी चार हैं तो एक डेसिमल ने तो कन्वर्ट होना है ना, तो इसका मतलब डेसिमल जो होगा वो या तो जाएगा आपका बाइनरी में, या जो डेसिमल है वो जाएगा ऑक्टल में, या जो डेसिमल है वो जाएगा हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब ये एक चीज होगी। दूसरी जो चीज है वो है कि अदर सिस्टम जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो। जैसे अदर सिस्टम क्या बच गए, वही तीनों जिनमें अभी कन्वर्ट किया, यानी बाइनरी, बाइनरी डेसिमल में, पहले डेसिमल बाइनरी में, अब बाइनरी डेसिमल। दूसरी चीज है ऑक्टल, तो ऑक्टल डेसिमल में, पहले डेसिमल ऑक्टल में था, अब ऑक्टल डेसिमल में। और तीसरा जो होगा वो होगा हेक्साडेसिमल डेसिमल, पहले डेसिमल हेक्साडेसिमल में था। तो ये एक है जिसको केस वन जो आपने ये देख रहे हैं यहाँ पे हैंड रिटन जो लिखा हुआ है, तो ये केस वन है। इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, ये आपको मैं चूंकि इसको मैं टाइप नहीं कर सकता था, मुझे नहीं पता था कि इसकी टाइपिंग कैसे होनी है और किस तरीके से इसको करना है, मेरा लगा कि शायद ये टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मुझे इसको हैंड रिटन करके इसको स्कैन करके फिर यहाँ पेस्ट करना पड़ा। तो इसके लिए जो है वो आप यहाँ से देखिए, ये मेरी राइटिंग है खूबसूरत और बाकी आप देख सकते हैं सारा। तो आई इस केस, इसमें मैं आपको बताऊँगा ये वाला केस जो ये है ना, इसमें आपको बताऊंगा कि जो डेसिमल है वो अदर्स में कैसे जाता है, ठीक है। ये वाला जो केस है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। अच्छा, अभी आप देखो कि डेसिमल टू अदर्स ये ए केस है, ठीक है। केस वन में ये पहला ए केस है, इसमें क्या होगा कि जब भी आपने डेसिमल से अदर्स में जाना है तो आपने क्या करना है, याद रखना है कि जब भी हम अपने सिस्टम को छोड़ेंगे तो हम डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। आप उसको रिमेंबर करने के लिए आप इससे कर सकते हो कि अपनों को जब भी छोड़ेंगे, क्योंकि अपना सिस्टम कौन सा है, डेसिमल, तो अपनों को जब भी छोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लिहाजा अपने को नहीं छोड़ना, वरना हम डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो कि मेरे को ऐसे कॉन्सेप्ट है, वैसे इसका कोई कंप्यूटर से ऑब्वियसली कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन आप इसको याद करने के लिए एक पॉइंट रख सकते हो कि जब भी डेसिमल से किसी दूसरे सिस्टम, यानी अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो हम क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, डिवाइड किसमें हो जाएंगे, जिसमें जा रहे हैं उसमें डिवाइड हो जाएंगे। मतलब क्या है इसका, रिपीटेड डिवीजन होनी है जब भी डेसिमल किसी दूसरे सिस्टम में जाना है। दूसरे सिस्टम तीन बच के बाइनरी ऑक्टल, ये जो बी ओ एच लिखा हुआ है, डी जहां पे डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी है ये बाइनरी को, ओ ऑक्टल को, और एच जो है वो हेक्साडेसिमल को। अच्छा, अभी आप देखो कि जब हमने बाइनरी में जाना है तो बाइनरी की बेस कितनी होती है, टू, तो इसका मतलब हम रिपीटेडली डिवाइड करेंगे उसको टू पर। ऑक्टल की बेस कितनी होती है, एट, तो इसको हम जब भी डेसिमल ऑक्टल में जाएगा तो हम उसको एट पे रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं, और जब डेसिमल हेक्साडेसिमल में जाएगा तो हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है, 16, तो हम उसको 16 पर डिवाइड करते हैं। वेरी सिंपल। तो अब ये 1, 2, 3 करके जो है मैंने इसको सारा लिखा हुआ है, डिवाइड करना कैसे है अब हम इसको देख लेते हैं। चलें जी, पहला ए आपके पास जो है केस वन का ए पॉइंट जो है उसको हम देखते हैं। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, नंबर वन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नंबर टू है, नीचे नंबर थ्री आएगा, ये है डेसिमल बाइनरी में जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, ऐसी एक आपने जो शेप बना के इसके अंदर आपने जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि जी आप 29 है, ये बाइनरी बेस 10 है, तो इसका ना ये डेसिमल में लिखा हुआ है,
29 बेस 10 तो ये डेसिमल में लिखा हुआ, इसको हमने किस में चेंज करना है, बाइनरी में। अच्छा हम आपको यूं भी कह सकते हैं कि 29 बेस 10 को बेस 2 में चेंज कर दें, बेस 2 में चेंज करना भी यही मतलब है कि आपने उसको बाइनरी में चेंज करना है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, इस 29 इस तरह करके और ये 29 लिख के इसको 2 पे हमने रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब है दो 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 पे डिवाइड करते जाना है अनलेस के पीछे 0 या 1 बच जाए, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ये नंबर जो होता है वो इससे छोटा रह जाए। ये डिवाइजर होता है जो तकसीम करने वाला होता है उसे कहते हैं डिवाइजर, और जो तकसीम होने वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो जो आपका डिविडेंड है जब वो आपके डिवाइजर से छोटा रह जाए तो फिर वहां पे आपने रोक देना क्योंकि पॉइंट में नहीं लेके जाना होता, ठीक हो गया। तो अब ये देखें 29 है तो अब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो इसको अगर हम डिजिट टू डिजिट देखें तो ये 2 डिवाइड हो जाता है तो 2 1 2 ये आ गया, पीछे 9 बच गया तो 2 4 8 तो ये 14 बन जाएगा, तो 14 2 28 तो पीछे कितना बच गया 1 बच गया। ये जो है ये हमने डैश लगाई, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। यहाँ पे आपने इसके रिमाइंडर लिखने हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं कहा मैंने, रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है जैसे हम मोबाइल के अंदर रिमाइंडर लगाते हैं, वो रिमाइंड कराता है हमें कुछ, जैसे अलार्म टाइप होता है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर रिमेन से निकला है, रिमेन का मतलब होता है बाकी बच जाने वाला, यानी तकसीम जहां तक हो सकता था तकसीम किया और जो बाकी बच गया उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे आप क्या करें कि 14 आ गया, 14 में अब उसके बाद पीछे 14 2 28 तो पीछे 1 बच गया, वो 1 आपने यहाँ लिख देना। अब ये जो 14 आया है अब आपने इसको डिवाइड करना, अब 2 पे हम करेंगे तो 2 7 14 पीछे क्या बच गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 7 14 पीछे 0 बच गया। यहाँ पे आप गौर करोगे कि या तो यहाँ पे 1 बचेगा या यहाँ 0 बचेगा, बाइनरी का जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है या वो 1 होता है। बाइनरी में जब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 होता है या 0 होता है, ये कहीं एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हेन अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड टू अ बाइनरी नंबर सिस्टम द रिमाइंडर मे बी 0 1 both या 10 कुछ भी, ठीक है। तो 0 और 1 both यानी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा कि 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 10 बच गया, ए बच गया, बी बच गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया जी यहाँ तक। इसी तरीके से अब 7 है तो 7 का फिर अभी 7 जो है वो अभी इससे छोटा नहीं हुआ, अभी फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 पीछे फिर 1 बच गया, 1 आ गया। अब ये 3 अभी भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 और पीछे 1 बच गया, ये 1 1 आ गया। अब आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेना है, अब क्या बनेगी बाइनरी 1 1 1 0 1, तो इसका मतलब 29 इसकी बेस 10 है, ये इक्वल होगा 1 1 1 0 1 और इसकी बेस 2 होगी, ये हमारा आंसर है। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने सेकंड पार्ट के ऊपर जो कि डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो वो अब बहुत आसान है। ये मैंने वैसे ये इसकी वर्किंग यहाँ पे आपको शो करके बताई हुई है कि अगर ना पता चले तो आप इस तरीके से उसकी वर्किंग कर लें, और ये करनी चाहिए वैसे क्योंकि जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको डिवाइड करने में, क्योंकि बाइनरी वाला थोड़ा आसान होता है, ये थोड़ा सा डिवीजन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके आप रिमाइंडर और उसका कोशेंट वगैरह जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो क्या आता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि वैल्यू दी हुई है आपके पास 248 और इसकी बेस 10 है, ये किस में दिया हुआ डेसिमल में, वो कहते हैं इसको ऑक्टल में चेंज कर। अब ऑक्टल में जब भी चेंज करना है डेसिमल ऑक्टल में जा रहा है तो हमने क्या करना है, इसको 8 पे करना है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 248 लिखेंगे, इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ आप इसको अगर तो आती है यानी जैसे 24 है हम ये लेंगे तो 8 3 24 तो पीछे 8 बच गया, फिर 8 1 8 तो यहाँ 31 बचता है तो पीछे 0 बच गया, रिमाइंडर यहाँ से बात समझ आ रही है। अगर दूसरा समझ आती है तो दैट्स ओके, अगर नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है। जो यहाँ पे इसका यानी जो क्वेश्चन आना है वो आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है यानी जो आंसर होता है वो आपका क्वेश्चन होता है, और जो पीछे बच जाता है वो उसका रिमाइंडर होता है। ये डिविडेंड है 248, ये डिविडेंड है। डिविडेंड वैसे कंपनी के अंदर जो होता है उसमें जो प्रॉफिट शेयर होता है उसको भी डिविडेंड कहते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड होती है तो उसके अंदर जो वैल्यू डिवाइड होने वाली होती है उसको डिविडेंड कहा जाता है, और जो डिवाइड करने वाला होता है उसको डिवाइजर कहा जाता है। तो आपने क्या किया कि इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लो, 248 यहाँ पे रख के इसको आप 8 पे कर लो डिवाइड। तो ये पहले 2 डिजिट, क्योंकि एक डिजिट हम नहीं ले सकते क्योंकि एक डिजिट जो है वो 2 है और ये 8 बड़ा है, तो आप क्या करोगे पहले 2 डिजिट लोगे इधर से, तो 2 डिजिट अगर आप लें तो वो 24 आ गए, तो 8 3 24 ये आपने लेफ्ट साइड से लिखा, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये बच गया इधर 0 बच गया, ये अब आप 8 जो इधर बताए इसको आप नीचे उतार लोगे, जो 8 बच गया ना इधर इसको आपने नीचे उतार लेना है। तो अब 8 1 8 तो पीछे बच गया,
जीरो, तो ये डिवाइड है, ये डिवीजन आपने पढ़ी होगी, ये तो छोटी क्लासों के अंदर कराई जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम छोटे होते हैं तो हमें चीजें नहीं समझ आती, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो हमें फिर प्रॉब्लम करती है। तो बातें वही है, लेकिन ये है कि ये अगर आपको बेसिक्स ये आपको आती है तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी ये बन गया रिमाइंडर, तो आपने रिमाइंडर को यहाँ लिख देना है। जो क्वेश्चन आना है, ये जो ऊपर आना है, ये क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन है आपने इसको इधर लिख देना। इस क्वेश्चन को आपने दोबारा 8 पे डिवाइड करना है, अगर ये डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियसली 31 है तो मतलब ये नंबर बड़ा है अभी, तो अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको डिवाइड करोगे। तो इसका भी आप पहले डिजिट लेंगे, पहले डिजिट से छोटा है, अगर 9 होता तब हो जाता, 8 होता तब हो जाता, 7 होता तो तब नहीं होना था। तो अगर इसका मतलब ये छोटी वैल्यू हो जाती फिर हम दो डिजिट लेने पड़ते हैं, तो अब 31 को हम लेंगे। 31 को इसी तरीके से आप यहाँ ले आए, तो 8 3 24 और 8 4 32 होता है, तो 4 पे तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 3 पे 24 लिखेंगे, तो ये ऊपर इसका जो क्वेश्चन आ गया वो 3 आ गया, और जो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो 7 आ गया। तो जो क्वेश्चन है उसको यहाँ लिख देना है, जो रिमाइंडर है उसको डैश लगा के यहाँ लिख देना है। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन बचा है 3, ये चूंकि इस 8 से अब छोटा रह गया, तो मतलब मजीद ही अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसी को आंसर लिख देना है। तो नीचे से ऊपर पर ऊपर की तरफ जैसे कि इसका बाइनरी का किया था, इसी तरीके से ये लिख देंगे, तो ये बनेगा 370। तो क्या बन जाएगा, 248 बेस 10 जो है वो उसका 370, लेकिन इसकी जो बेस होगी वो 8 होगी। तो ये था जी हमारा आज का डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि जो डेसिमल है वो आपका हेक्साडेसिमल जो है उसके अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है उसके अंदर के जो बेस 16 होते हैं तो उसके अंदर आपने उसको लेके जाना है, ठीक है। तो एक नंबर दिया हुआ है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे ली गई, हालांकि इतनी बड़ी थी फिर भी ये 2 में डिवाइड हुआ, बहुत बड़ी वैल्यू 16 पे डिवाइड करना तो ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी तो डिवाइड होगा। अच्छा यहाँ पे देखो कि एक हेक्साडेसिमल चेंज करना है आपने, तो 2482 है और इसको आप 16 पर डिवाइड करना है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं समझ लग रही तो आप इसको क्या करो, वैल्यू किस तरफ ले आओ और उसी तरह आप उसको डिवाइड कर लो। तो 16 है, तो आप चूंकि पहला डिजिट छोटा तो आप दो डिजिट लेंगे, दो डिजिट 24 है, ये 16 है, तो हो सकता है, तो 16 1 16, ठीक है। अब इसमें से आपने माइनस कर दिया, तो 24 में से 16 माइनस करें तो पीछे बचा था 8, कि 8 यहाँ लिख दिया। अब ये 8 चूंकि छोटा है 16 उसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो अगला जो डिजिट है वो आपने नीचे उतार लेना, उसके साथ वाला जो डिजिट है जो बचा हुआ था वो नीचे आपने ड्रॉप कर लिया। तो अब 8 ये था, 8 ये नीचे आ गया, तो ये बन गया 88। अब आपको यानी आप मेरा ख्याल है यहाँ पे आपको एक तो डिवीजन समझ आ जाएगी, नहीं आती पहले तो ये समझ लग जाएगा, दूसरा ये तो ये 2-in-1 है, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी तो 2 शिकार होने चाहिए। लो जी 88 आ गया यहाँ पे, और अब इसको 88 आ गया, तो 88 जो है 16 पे डिवाइड हो सकता है, तो 16 5 जो होता है वो 80 होता है, 16 5 80, पांचे शिलवार वाले पांचे नहीं, पांच जो होते हैं वो वाले, तो 16 5 80, ठीक है। तो ये आ गया 80। अब इसमें से आप 88 में से आप 80 निकाल दो तो पीछे बन गया 8, तो 8 तो ये आ गया, लेकिन अभी ये ऊपर कोई नंबर पड़ा हुआ ना, अभी 8 छोटा रह गया 16 से, अभी इसको और एक डिजिट चाहिए, तो वो जो ऊपर 2 बचा हुआ था उसको हम नीचे लेंगे, तो वो बन गया 82। अब 16 वही 5 80, तो पीछे बन गया 2, अभी 2 डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 155 आया ये आ गया इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिख देंगे हम यहाँ, रिमाइंडर को लिख देंगे यहाँ, दैट्स ओके। अभी ये क्वेश्चन अभी मजीद डिवाइड हो सकता है, तो अभी इसी तरीके से आप 155 को अंदर रखा 16 पे, तो 15 है, 15 हो नहीं सकता, तो 155 पूरा लेंगे, तो 16 9 144 होता है, इसमें से आप निकाल दे पीछे 11 बन गया। अभी जो 11 है ना, इसको आपने इस तरीके से नहीं करना, ये जो अब पीछे बच गया ना, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो अगर ये 10 आ रहा है तो आपने उसकी जगह ए लिख देना है, 11 आ रहा है तो उसकी जगह बी लिख देना है, 13 आ रहा है तो उसकी जगह आपने सी लिख देना है, इस तरह करके। तो ये जो है क्योंकि की सिंबल होती है, क्योंकि जो 11 होता है वो यानी बिकॉज, ये जो ऊपर आंखें नीचे नाक है ये जो है इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है, कि जो 11 होता है वो बी के बराबर है, तो इस वजह से हमने उसकी जगह बी लिख देना है, ठीक हो गया। रिजल्ट तो ये क्या बन जाएगा, 9 11 2, जबकि जो ये 11 है ये एक्चुअल में बी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 11 2 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 9 9 आएगा, जो 11 है उसकी जगह बी आएगा और इसकी जगह 2 2 रहेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, नीचे आंसर मेरे पर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है जी 2482 और इसकी बेस 10 है, और इसके बराबर आ जाएगा 9 b 2 और इसकी बेस 16 आ जाएगी, 9 9 आ गया, उसकी जगह 11 था वहाँ बी लिख दिया और 2 and 16 ये था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मुझे मेरा ख्याल है मैं ये कह सकता हूँ यकीन के साथ कि आपको ये वीडियो सही तौर पर समझ आ गई होगी। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें,
और अगर अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर लें डिसलाइक। और लर्निंग एजुकेशन जो सिस्टम है, जो कि चैनल है जो आप देख रहे हो सामने, इसको आप जो सब्सक्राइब बटन है इसको ऊपर आप क्लिक करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि घंटियाँ बजती रहें आपकी और हम रबते में रह सकें, क्योंकि हम रबते में रहेंगे तो कुछ नई चीज़ हम कर पाएंगे मिलजुल कर। तो बस ये था, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।